देखो सीधी सादी बात है, ये डायमेंशन के यू के टेस्ट में बहुत आती है, एक फोर्स की जो कि एम एल टी माइनस टू होती है। अच्छा, जो फोर्स की डायमेंशन है वही टेंशन की डायमेंशन है, वही वेट की डायमेंशन है, और एक वर्डन की डायमेंशन बहुत आई है पेपर में। वर्डन की डायमेंशन वही है जो टॉर्क की डायमेंशन है एनर्जी की, चाहे वो पोटेंशियल हो काइनेटिक हो। देखो वर्डन की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एनर्जी की भी यही डायमेंशन है, टॉर्क की भी। तो एनर्जी का, वर्डन का और टॉर्क का यूनिट एक तो जूल्स होता ही है, और क्या होगा? देखो एम का मतलब के जी, एल स्क्वायर का मतलब मीटर स्क्वायर, टी माइनस टू का मतलब पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो एक और बड़ी अहम चीज़ है, टॉर्क हो वर्डन हो एनर्जी, इन सब का डायमेंशन तो हमने कहा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो यूनिट के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वोल्टेज जो क्या होता है, वर्डन अपॉन चार्ज। वर्डन क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड बाई ए टी, ए से मुराद करंट, टी से मुराद टाइम। तो देखो ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है, ये ऊपर चला जाएगा टी माइनस थ्री, ए माइनस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। क्या वोल्टेज का कोई और यूनिट भी हो सकता है? जी बिल्कुल, किलोग्राम, ये आ चुका है सवाल, मीटर स्क्वायर, हाँ जी, पर सेकेंड क्यूब, पर एम्पेयर, टी माइनस थ्री का पर सेकेंड क्यूब, और ए माइनस भी जा रहा है पर एम्पेयर, ये भी किसका यूनिट होता है? वोल्टेज का। ओके जी, रेजिस्टेंस होती है वोल्ट अपॉन करंट, तो वोल्टेज की डायमेंशन तो ये थी, करंट की ए होती है खाली, तब ये ए ऊपर जाके माइनस है, ए माइनस टू हो जाएगा, और रेजिस्टिविटी होती है एरिया इंटू रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ। अब देखो एरिया का मतलब है एल स्क्वायर, एक एक लेंथ कट जाएगी, तो रेजिस्टेंस इंटू लेंथ, यानी कि जो रेजिस्टेंस की डायमेंशन है उसको एल से मल्टीप्लाई कर दो, एल स्क्वायर है तो एल क्यूब हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, एलिवेटर का कह रहे हैं मास 4000 केजी है, व्हेन टेंशन इज सपोर्टिंग केबल इज 48,000 न्यूटन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ फॉर दस इट्स मूव इन 3 सेकेंड। तो बड़ा अच्छा सवाल है, मास 4000 है, जी इन्होंने 10 दिया है, तो देखो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी 40,000। अब देखो टेंशन ज़्यादा है 48,000 से, एक बात याद रखो जब भी टेंशन ज़्यादा होगी वेट से अपवर्ड मोशन होगा, जो कि बराबर होगा टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। अब टेंशन 48,000 है, एम जी 40,000 है, इक्वल टू एम ए यानी एम 4000, ए की वैल्यू आ जाएगी 2। अब चूंकि देखो बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, भाई ये 48,000 में से 40,000 माइनस करो 8,000 आएगा, ये ए के साथ 4000 है जो उधर जाके डिवाइड होगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि 2 आ जाएगी। अब जब एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला कब होता है? जब वी आई ज़ीरो, वैसे पूरा फार्मूला तो होता है ना वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन वी आई ज़ीरो है, वी आई ज़ीरो कैसे भाई? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब है कि वी आई ज़ीरो है। अब एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू तो 2 है, टी हाँ जी, तो टी पूछ रहे हैं इट मूव्स इन 3 सेकेंड, मतलब टी की वैल्यू 3 दी हुई है। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर आ गया 9। अब ये जो बात थी जो मैंने बताई थी, देखो 48,000 में से जब 40,000 माइनस करोगे तो भाई कितना बचेगा? 8,000, और ये 4,000 जो इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो चुका, 8,000 को 4,000 से डिवाइड करो तो बहुत आसानी, एक वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, वेरी सिंपल। देखिए 100 kg मैन स्टैंड्स ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस इन एन एलिवेटर, when the elevator start moving the scale reads 90 kg, the magnitude of the acceleration of the elevator taking g equal to 10 m/s². तो देखो फार्मूला होता है w equal to m g plus a, ठीक है, अब खाली a हो जाएगा w upon m minus g के, w की वैल्यू हो जाएगी 90 × 10 और m है 100, तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 9 − 10 − 1 आंसर आ जाएगा। बहुत अहम सवाल है, देखो बात ये एलिवेटर में अप की तरफ जा रहे हैं तो W इक्वल टू एम जी प्लस ए,
और चौथा इसको याद रख लो कि ए बराबर डब्ल्यू अपॉन एम माइनस जी के होता है, बजाय इसके कि अरेंज करो, बायो वालों को मुश्किल होती है। तो डब्ल्यू होता है मास इंटू जी, 90 इंटू 10। अच्छा मास ज़ाहिर है ये पहले वाला 90 केजी दे रहे हैं, यहाँ स्केल का मास आएगा, मैन का मास जबकि 100 केजी होनी चाहिएगा।